नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट, और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने जो भी अपना काम था वो कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में क्या है कि यहाँ तक हमने आपको बोला था ना कि यहाँ से हम यूज़र के डेटा को यानी अपने कस्टमर के डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबल में और उसके ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे आगे के लिए। अच्छा, तो दो चीज़ें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने के लिए। कि पहला तो व्यक्ति जब इस पर क्लिक कर रहा है पे ऑफलाइन पे, जैसे कि मानो यहाँ पे हम जाते हैं आइटम्स में, ठीक है, और प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ से वो लॉग इन कर जाता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको और कैसे उन सारी चीज़ों को आगे प्रोसेस करेंगे। तो अभी तो मैं बेसिकली आपको पहले ये समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मान लो कि मैं एक यूज़र हूँ और मैं आ रहा हूँ अपने इस साइट पर शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने जो भी अपने कार्ट में आइटम्स को ऐड करना था वो मैंने सारा ऐड किया। ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद का क्या काम था, आई एम सॉरी, कि इसमें हाँ आइटम्स को ऐड किया, चेकआउट पे क्लिक किया, अब लॉगिन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 करके हमने कर दिया लॉगिन। तो यू आर लॉग्ड इन। अभी मैं आया पेमेंट ऑप्शन के पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिली, एक है पे ऑफलाइन, दूसरा पे विद पेपाल। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब कोई पे ऑफलाइन पे क्लिक करता है तो उसके बाद क्या करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला तो मैं पीएचपी को तो पहले यहीं से कर देता हूँ स्टार्ट, है ना, पीएचपी को यहीं से कर देता हूँ स्टार्ट और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, है ना। अभी क्या करता हूँ कि सेशन बना लेता हूँ, सेशन नहीं बनाता हूँ, जो सेशन में जो ईमेल है ना, क्योंकि कैसे है सेशन में, यहाँ पे वो व्यक्ति अब है लॉगिन, यहाँ पे कस्टमर अब लॉगिन है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सेशन क्रिएट हो चुका है। तो उसका सेशन क्रिएट हुआ है किस चीज़ को लेकर के, ईमेल को लेकर के, यानी उसका ईमेल जो है वो सेशन में आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि सेशन हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे सेशन ईमेल का, और इसमें असाइन कर देंगे उसका वही सेशन जो वो करेंटली रन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लॉगिन है तो उसका सेशन तो बना ही होगा, तो उसके कस्टमर ईमेल के नाम से वो था ना वेरिएबल, कस्टमर ईमेल जो हमने सेशन बना रखा था शुरुआत में, है ना, ये हुआ। तो अभी क्या हो गया कि जो सेशन है उसका कस्टमर ईमेल का, उसको मैंने असाइन कर दिया इस नए वेरिएबल में सेशन ईमेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जिस ईमेल से लॉगिन है वो ईमेल हमको यहाँ पे मिल गया, पहली चीज़, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर वो हमें ईमेल मिल गया जिससे वो लॉगिन है, तो जो हमारे कस्टमर की टेबल है, क्योंकि उसने कभी ना कभी तो हमारे साइट पे रजिस्टर किया होगा तभी वो लॉगिन है, या अगर तुरंत रजिस्टर होकर भी लॉगिन है तब भी उसका जो डेटा है वो हमारे टेबल में आ ही चुका होगा। तो जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है एडमिन एट जीमेल के रोल पे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखूंगा ना कस्टमर में, तो कस्टमर में क्या है कि एडमिन एट जीमेल कहीं ना कहीं होगा, है ना, ये है एडमिन एट जीमेल, ये है ना पड़ा हुआ इसमें। तो मतलब इसका क्या हुआ, सीधा सा मतलब इसका यही हुआ कि ये जो ईमेल है कस्टमर एट जीमेल जिससे वो लॉगिन है, उसको मैंने कर दिया असाइन अपने इस नए वेरिएबल में। अब इसके में क्या बात क्या करने वाला हूँ, इसके बाद हम एक क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट कस्टमर के नाम से। ठीक है ना, सेलेक्ट कस्टमर के नाम से क्वेरी चला दी हमने। इसमें मैंने क्या कहा कि भाई सेलेक्ट कर लो सभी आइटम्स को, कहाँ से, कस्टमर की टेबल से, कस्टमर कस्टमर्स है या कस्टमर है, कस्टमर्स है, कस्टमर टेबल से सारे आइटम्स सेलेक्ट कर लो जो भी मैच करता हो किससे, इस ईमेल से जो ऊपर मैंने दे रखा है, ये यहाँ पे वही ईमेल आ गई है जिससे वो लॉगिन है। तो मैंने क्या कहा कि कस्टमर्स की टेबल में से सारा कुछ सेलेक्ट कर लो वो डिटेल कस्टमर की, लेकिन ईमेल आईडी कौन सी होनी चाहिए, ईमेल आईडी ये होनी चाहिए जो लॉगिन है, कस्टमर ईमेल, यानी यहाँ पे क्या है कस्टमर ईमेल ये है, तो ये मैच करवाएगा। मैं कहता हूँ कि वहीं से सेलेक्ट करना जिसका कस्टमर ईमेल जो है इसके बराबर हो, किसके, जो लॉगिन है इसके। तो क्या हुआ कि यहां पे क्या हुआ, अभी इसको मैंने क्या कहा, सिलेक्ट कर लो सारे फील्ड को उस कस्टमर के जिसका ईमेल ये है,
यानी जिसका ईमेल जो लॉगिन है। तो अगर ये ईमेल से वो लॉगिन है तो क्या इसमें सारे डेटा में वो मैच कराएगा जिसका ईमेल ये है? तो यहाँ पे आने के बाद उसको मिल जाएगा कि ये स्क्रिप्ट में ये मेल है, मैच हो रहा है। तो उससे वो पूरा आइटम्स, ये पूरी रो जो है ना, ये पूरी रो वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जब ये क्वेरी चलेगी तो पूरी रो ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर लॉगिन है उसका पूरा डिटेल हमारे पास आ गया। ठीक है, लेकिन आएगा कब, जब इसको रन कराएंगे। तो रन कस्ट लिख दिए और यहाँ पे MySQLi और क्वेरी क्वेरी यहाँ पे कनेक्शन दे दिए और दूसरा में ये। तो अब ये हो गया रन। ठीक है ना, अब ये रन होने के बाद इससे जो डेटा रिटर्न होगा इसमें, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, ये पूरी फील्ड रहेगी क्योंकि ये मैच हो रहा है, तो ये पूरी फील्ड रहेगी उसमें, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो कस्टमर इस समय हमारी वेबसाइट में लॉगिन था, यहाँ पे जो लॉगिन था, इसकी सारी डिटेल्स, इसका नाम, कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जितनी भी जानकारी इसकी है, वो सारी जानकारी हमारे अब इस वेरिएबल में आ चुकी है। ठीक है, चलिए, तो अब तो हमें ये पता चल गया ना यहाँ तक, इस बेसिस पर तक, कि ये कौन सा आदमी है जो ऑर्डर कर रहा है। ठीक है ना, ये हमें पता चल गया। तो इसका यूनिक क्या है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ यूनिक होगा। तो मैंने जब डेटाबेस बनाया था तो उस समय यूनिक की किसको चुना था, यहाँ पे यूनिक की थी कस्टमर आईडी। ठीक है ना, तो कस्टमर आईडी सेम नहीं हो सकती है किसी की, तो हम वही चीज टारगेट करेंगे हर कस्टमर की जो उसका यूनिक हो। तो यूनिक क्या है, कस्टमर आईडी। तो सिंपल सी बात है कि जब सारी डिटेल्स उस कस्टमर की इस वेरिएबल में आ चुकी है तो हम इस वेरिएबल से क्या लेंगे, सिर्फ कस्टमर आईडी अभी के लिए, कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी लेंगे उसकी, और कस्टमर आईडी है कहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो अभी पहले जो है उसका हम एरे वगैरह बनाएंगे ना, उसके बाद लेंगे। तो एक रो बना लेते हैं पहले, रो रो कस्टमर, है ना, रो कस्टमर बना लेते हैं। और यहाँ से कहते हैं कि भाई माई एस की वेला फेच एरे, फेच एरे, है ना, ऐसा बोलते हैं इनको। और इनसे अब हम कह देते हैं कि कहाँ से फेच करना है तुम्हें, यहाँ से, इसमें सारा डिटेल्स है, पूरा रो है ना इसमें, तो इस रो से सब कुछ फेच कर लो आइटम, और एरे के रूप में इसमें स्टोर कर दो, और मैं बाद में इसमें से डेटा को निकाल लूँगा, है ना। तो यहाँ से मैंने लिया इनसे, अब इसमें जब एरे के रूप में आया है तो की के रूप में उसे उठा लेंगे। कौन सा डेटा लेना है, कस्टमर, कस्टमर आईडी, देख लो ऐसे ही लिखा हुआ है, कस्टमर आईडी। ठीक है ना, अब ये कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे, यही हमने यहाँ पे टारगेट की है। तो मैं उस ईमेल से मैच करते हुए कस्टमर की सिर्फ कस्टमर आईडी ले रहा हूँ बस यहाँ पे। ठीक है, ये जो सेशन बना हुआ है इस ईमेल से मैच करते हुए यूजर की कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना। तो अब मुझे उस कस्टमर की एक यूनिक चीज मिल गई, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब पे ऑफलाइन पे क्लिक करेगा ना, तो उसी के साथ उसकी कस्टमर आईडी को हम भेज देंगे अपने ऑर्डर वाले पेज पे, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऑर्डर डॉट पीएचपी पे जाओ तुम, क्या लेकर के, कौन सा वेरिएबल, सी आईडी, कस्टमर आईडी में। और कस्टमर आईडी में डेटा कौन सा होगा, वो तो पीएचपी दिखाएगा ना कौन सा डेटा होगा, क्योंकि हर कस्टमर का अलग अलग होगा, तो वो पीएचपी बताएगा कि कौन सा किसका है। तो यहाँ पे एक को करना है किस चीज़ को, एक को यहाँ पे करना है कस्टमर की आईडी को, जो हम यहाँ पे बना रखे हैं ये। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ यही हम करना चाह रहे थे वहाँ पे। तो अभी क्या है कि ये जो कंट्रोल यस करके सेव करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे अपने पेज पर और इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक ये टाइम ले रहा है, कुछ टाइम लिया, अभी हम पे ऑफलाइन पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नीचे गौर करना आप थोड़ा सा, स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये सी आईडी होना चाहिए, ऐसे लिख गया है, इक्वल फोर, ठीक है ना। तो इसकी आईडी क्या है,
ये देखो फोर है ना, तो फोर आईडी लेकर के वो जा रहा है। तो मैंने हमारी ये स्क्रिप्ट जो है सक्सेसफुली रन हो रही है यहाँ तक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे का जो काम है उसको करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर यू वॉचिंग।